तो नमस्कार दोस्तों, फाइनली भारत का और पेरिस ओलंपिक्स का तीसरा मेडल भी आ चुका है। तो जी हाँ, तीसरा मेडल भी किसी और स्पोर्ट से नहीं बल्कि शूटिंग से ही आया है। जी हाँ, भारत के शूटर स्वप्निल कुसाले ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जो कि हमारा आज का शूटिंग का इकलौता मेडल इवेंट था, उसमें उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो आप देख सकते हैं उन्होंने तीसरे नंबर पर फिनिश किया चाइना और यूक्रेन के बाद। तो तीसरा मेडल भारत का आ चुका है, तीसरा ब्रॉन्ज, और इसी के साथ भारत 41st नंबर पर चला गया है मेडल टैली में। तो ये बहुत ही बड़ी खबर आती हुई शूटिंग से। शूटिंग ने 2012 के बाद कोई मेडल नहीं जीता था, लेकिन इस बार तीन मेडल जीते हैं, और ऐसा पहली बार ही हो रहा है कि ओलंपिक्स में हमने किसी स्पोर्ट में दो से ज़्यादा मेडल जीते हों। तो स्वप्निल कुसाले की तस्वीरें आप देख सकते हैं, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने अपने नाम किया है, बहुत ही अच्छी शूटिंग की इन्होंने। हाँ, प्रोन और नीलिंग के बाद थोड़ा पीछे चल रहे थे, पाँचवें नंबर पर चल रहे थे, लेकिन स्टैंडिंग सीरीज़ में इन्होंने जो कम बैक किया है वो तो डेडली था। तो बहुत कुछ कहना है इनके बारे में, लेकिन सब कुछ इस वीडियो में नहीं बोल पाएंगे। तो शाम को मिलते हैं लाइव में। तो जी हाँ, तीसरा मेडल भी अब भारत का आ चुका है, बहुत बड़ी खबर है ये आज की। अब इसके बाद सिफ्त कौर सामरा भी हमें खेलती हुई दिखाई देंगे क्वालिफिकेशन में, लेकिन उनका फाइनल जो है वो कल है। तो आज और कल में भी शूटिंग के और भी बहुत सारे इवेंट्स हैं, तो देखते रहिएगा हमारी वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।